चलो आज हम बनाएंगे रोयल प्लेटर। इसके लिए मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। सबसे पहले कस्टर्ड बनाने के लिए मिल्क, कस्टर्ड पाउडर, शुगर एंड सेफ्रन। उसके बाद रबड़ी के लिए मिल्क है, शुगर है, सेफ्रन है, पिस्ताचियो, आलमंड और कार्डमम पाउडर, ठीक है। उसके बाद शाही टुकड़ा टुकड़ा बनाने के लिए ब्रेड, कॉर्नर कट ब्रेड है, और सेलो फ्राई करने के लिए घी। स्टफिंग बनाने के लिए गुलकंद, फेनिल सीड, ड्राई कोकोनट, ड्राई डेट, चेरी, टूटी फूटी, रोज वाटर एंड बेली लीफ, ठीक है। और गार्निशिंग के लिए कार्डमम सीड, रोज पेटल एंड चेरी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कस्टर्ड बनाने से गैस ऑन किया। कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप फुल फैट मिल्क, 1 कप फुल फैट मिल्क, 2 दूध को हल्का सा गर्म होने देंगे, ठीक है। तब तक हमारे पास 2 टेबल स्पून जितना कस्टर्ड पाउडर है, उसमें जो हमने 1 कप मिल्क लिया था उसमें से ही हम क्या करेंगे, 2 से 3 चम्मच दूध इसमें डाल देंगे। यानी कि हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छे से ठंडे दूध में घुल जाएगा, ठीक है। तब तक हम हमारा फ्लेम स्लो रखेंगे। कस्टर्ड को गट्ठे रहने नहीं रहने चाहिए, ठीक है। एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम दूध में हम एक उबाल आने तक उसे चलाएंगे। अब दूध में उबाल आ गया है। फ्लेम स्लो करके कस्टर्ड धीरे धीरे डालेंगे, ठीक है। जो हमने कस्टर्ड का घोल बनाया है वो यहाँ पे मैंने सेफ्रन कस्टर्ड लिया है, बिकॉज हम बना रहे हैं सेफ्रन कस्टर्ड, इसलिए मैंने पाउडर भी सेफ्रन कस्टर्ड का ही लिया है। इसे धीरे धीरे हम यहाँ पे हमें कस्टर्ड जो है बहुत ही ठीक चाहिए, ठीक है। इसलिए हम धीमी आंच पे इसे पकाएंगे। अब इसके साथ हम यहाँ पे 1/4 कप जितना शुगर डालेंगे। हो गई 1/4 कप चीनी, और उसके साथ 10 से 12 सेफ्रन के थ्रेड, ठीक है। अब धीरे धीरे से मिक्स अच्छे से कर लेंगे।
देखिए यहाँ पे हमारे कस्टर्ड की जो थिकनेस है बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए अब इसे हम बंद कर देंगे, ठीक है, और दूसरी जगह पे लगा देंगे ठंडा होने के लिए, ठीक है। ओके, अब हम बनाएंगे शाही टुकड़ा। उसके लिए सबसे पहले रबड़ी, रबड़ी बनाएंगे हम। रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ml मिल्क लिया है। अब गैस ऑन करके उसे हम धीरे धीरे चलाएंगे। जब तक दूध गर्म होता है तब मैं इसमें मिल्क पाउडर का एक घोल बनाता हूँ, जिससे हमारी रबड़ी की जो थिकनेस है और उसका कलर है वो दोनों तुरंत चेंज हो जाएगा। ये भी हम हल्का सा गरम दूध में ही मिला लेंगे। और यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम की पतीला लिया है, बिकॉज के जो ये उसका जो बॉटम है वो बहुत ठीक होने के कारण हमारी रबड़ी तुरंत बैठ नहीं जाती, ठीक है। चलिए, अभी इसमें एक उबाला गया है बड़ा वाला, तो अब हम इसमें फ्लेम स्लो करके धीरे धीरे से ये जो मिल्क पाउडर का हमने घोल बनाया है वो इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी देर तक गाढ़ा होने तक पकाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो थोड़ी थोड़ी मलाई बन रही है उसे हम किनारे पे लगा देते हैं, जिससे हमारे जो रबड़ी का जो मावा जैसा बाहर जैसा टेस्ट हो टेक्सचर मिलता है वो मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक जो हमारे सेफ्रन के थेड थे उसमें मैंने 1-2 टेबल स्पून बॉइलिंग मिल्क मिला दिया, यानी कि जिससे हमारा उसका जो कलर है वो अच्छे से आएगा। अब मैं वीडियो को फास्ट करके आपको बताता हूँ कि हमारा जो दूध है वो गाढ़ा होके कैसा होता है। चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरा कॉर्नर है वो पूरी तरह से एक मावे के रूप में जम गया। अब इसे हम धीरे धीरे से निकालेंगे और इसमें ही रबड़ी में ही अंदर डाल देंगे, जिससे हमारा जो क्रीमी टेक्सचर है और गाढ़ा वो हो जाएगा। अब हमारी रबड़ी जो है वो घट हो गई है, तो अब हम इसमें शुगर मिला लेंगे, ठीक है। शुगर यहाँ पे मैं 1/4 कप जितनी शुगर ले रहा हूँ। जब भी हम रबड़ी या दूध की जो भी मिठाई बनाते हैं उसमें हम शुगर है वो लास्ट में ही डालनी है, बिकॉज वरना क्या होगा, हमारा जो गाढ़ापन मिलता है वो नहीं मिल सकता। और उसी के साथ हमने जो केसर का घोल तैयार करके रखा है वो हम इसमें मिला लेंगे। जब हम इसे मीडियम फ्लेम पे चला लेंगे, जिससे कहाँ तक चलाएंगे, जब तक हमारी जो शुगर है वो पूरी तरह से डाइल्यूट नहीं हो जाती, ठीक है। चलिए अब भाई हमारा जो बाहर जैसा रबड़ी का टेक्स आ गया है, ठीक है, इसलिए हम गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम बनाएंगे शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक सॉस पैन लेंगे, जिसमें हम 1 कप शुगर और 1 कप पानी, ठीक है, हिसाब से क्या करेंगे हमारा शुगर सिरप बना लेंगे। जो शाही टुकड़ा में हम
डालेंगे। अब जब तक हमारा ये होता है तब तक हम अब एक बाउल में मिक्सिंग बाउल लेके उसमें स्टफिंग रेडी कर लेते हैं, जो हमारा शाही टुकड़ा का है वो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टोटल 6 लीव्स लिए हैं, ठीक है, इसमें 4 है बेटल लीव और 2 है कपूरी लीव, उसकी मैंने छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लिए है। उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून जितना गुलकंद, ठीक है। गुलकंद डालने के बाद टू टेबल स्पून जितना ड्राई कोकोनट पाउडर, 1 टेबल स्पून जितनी फाइनल शीट, मैंने फाइनल शीट को हल्का सा रोस्ट कर लिया है जिससे उसका फ्लेवर निखर के आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कैश्यू नट 1 टेबल स्पून जितना कैश्यू नट, चॉप्ड आलमंड वो भी 1 टेबल स्पून जितना, ठीक है। आप ये इसका जो मेजर है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। पिस्ताचियो चॉप 1 टेबल स्पून, उसके बाद चेरी है वो मैंने 2 टेबल स्पून जितनी ली है, उसके बाद टूटी फूटी यहाँ पे मैंने 3 कलर की टूटी फूटी ली है, आप एक या दो कलर की भी ले सकते हैं, यहाँ पे 2 टेबल स्पून ये हो गया। उसके बाद ड्राई डेट यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जितना मैं ले रहा हूँ, और लास्ट में हम मिलाएंगे उसमें 1 टेबल स्पून जितना रोज़ वाटर से उसका क्या होगा, एक अच्छा सा ब्लाइंड टेस्ट आएगा, ठीक है। इससे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसमें मैंने जो मेजर बताया वो आप ऊपर नीचे आपके टेस्ट के अनुसार से कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और, मैंने यहाँ पे जो बेटल लीव लिया है आपको वो हल्का सा ड्राई कर देना है, ठीक है। यानी कि हमारा जो ये मिक्सर है उसमें पानी नहीं छूटेगा, दूसरा आप ज़्यादा दिन तक उसे रख सकते हैं, ठीक है। मेरे घर पे ये हर दीपावली को बनता है और मैं उसे 3-4 दिन पहले से ही प्रिपेयर करके रख देता हूँ ऐसा मिक्सचर। जब बनाना है तब लेके बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये हो गया मिक्सचर रेडी, ठीक है। अब हम इसमें ब्रेड में हम ये स्टफिंग करेंगे, ठीक है। चलो ओके। यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड की स्लाइस ली है, उसको हम हल्का सा चपटे पे बेल लेंगे, जिससे हमें क्या होगा कि जो ठीक है वो थोड़ी सी प्रेस करके इसका रोल अच्छे से बन सके, ठीक है। एक ही मुंह पे आपको चलाना है, ठीक है, और जितनी फ्रेश ब्रेड होगी उतना आपका अच्छे से बनेगा, ठीक है, ओके। अब इसमें हम इसकी जो कॉर्नर है उस पर हम पानी का ब्रश कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा स्टफिंग जो है हमें जब हम भरेंगे उसमें डालेंगे और रोल करेंगे तो अच्छे से वो रोल हो सके। अब इसमें ओके, सबसे पहले ये करने के पहले हम
जो सेलो फ्राई करना है, इसके लिए एक पैन ऑन करके, गैस ऑन करके पैन रख के उसमें घी डाल देते हैं और घी को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। चलो अब ये गर्म होने को आ गए, तब तक अब हम हमारा चाशनी भी देख लेते हैं। चाशनी आपको वन तार से कम, ठीक है, तार आपको नहीं बनाना है, सिर्फ एक थोड़ी सी चिकनापन आ जाए उतना ही आपको उसमें लेना। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लगभग हमारी चाशनी ठीक है। और चाशनी चेक हम कैसे करेंगे कि हमने सबसे पहले ये चम्मच पे हमने ले लिया, अब उसके ऊपर हम ज़रा सा ठंडा होने के बाद उसमें देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो तार है वो नहीं बन रहा है, यानी कि थोड़ा सा जी चिकनापन करना है, ठीक है, तार नहीं बनाना है बट थोड़ा सा चिकनापन करना है, ठीक है। अब हम रोल बना देते हैं, तब तक जो स्टफिंग है उसको मीडियम ही बीच में ही आपको डालना है, बिकॉज तो ही उसका रोल अच्छे से बन सकता है, ठीक है। और चलो हम इसे रोल करेंगे, ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथों से रोल करना है वरना हमारा जो ब्रेड है वो टूट सकता है। दोनों फर्स्ट फर्स्ट उंगली से हम इसे प्रेस कर देंगे, दोनों साइड से अच्छे से कवर करना है बट ब्रेड नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा रोल रेडी, अब हम इसे साइड में रख देते हैं। इसी तरह से हम दो तीन और बना लेते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब हमारी चाशनी जो है वो रेडी हो गई। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे देखेंगे, जो मैंने पहले बताया था उसी तरह से ठंडी हो गने के बाद हमारा जो ये चाशनी है वो ज़रा सा चिकना हो गई है, देखिए, बट थ्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है, उसमें हम डालेंगे 1/2 teaspoon ऑफ कार्डमम पाउडर, और हमारा रोज फ्लेवर देना है इसलिए हम डालेंगे उसमें 1 tablespoon रोज वाटर, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारी चाशनी रेडी हो गई, उसे हल्का सा गर्म होने रहना है, ठीक है, ठंडा नहीं करना है, इसलिए हम इसे बंद कर दें। हमारा जो रोल है वो रेडी हो गया, रोल रेडी हो गया, तो हम इसे धीरे धीरे से इसमें डाल के सेलो फ्राई करेंगे, ठीक है। शाही टुकड़ा है, यानी कि हमारा घी भी उतना ज़्यादा है लगेगा, इसलिए मैंने सेलो फ्राई करने में भी इतना ज़्यादा घी लिया है, ठीक है, टर्न कर दें, फिर ऐसा कर लेंगे। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देना है, फ्लेम स्लो ही रखना है, ठीक है, और गोल्डन ब्राउन होने देना है। देखिए हमारा यहाँ पे पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है पीछे से, तो इस तरह से इस तरफ से भी गोल्डन ब्राउन करना है।
रेडी। तो अब हम इसे तुरंत ही क्या करेंगे, चाशनी में डाल देंगे। और उसी तरह से हम बाकी के दोनों तीनों है वो कर लेंगे। सब रेडी हो गया है, कस्टर्ड भी मैंने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे पाइपिंग बैग में भर लेते हैं। अब हमारी जो प्लेट है उसमें कस्टर्ड का मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है, उससे हम एक सर्कल बना लेंगे। जिससे ये कल्चर पुश। चलिए अभी इसमें हाफ एन आवर के लिए सेट करने के बाद जो बीच में का पोर्शन है बीच का वहाँ पे रबड़ी पोर कर देंगे। रबड़ी को भी मैंने ठंडा कर लिया था। ये हो गई हमारी लेयर। अब बीच में हम रखेंगे हमारा जो शाही टुकड़ा है वो, जिसको मैं कट करके रख रहा हूँ। चलिए यहाँ पे हाफ कट करके रख लिया। अब बारी गार्निशिंग की। ओके, गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मेरे पास चॉप्ड आलमंड है वो स्प्रिंकल करता हूँ। उसके बाद चॉप्ड पिस्ताचियो रेंडमली, उसके बाद यहाँ पे मैंने कार्डमम शीड लिए हैं। और रोज पेटल, रोज पेटल को ऐसे बारीकी हाथों से ही तोड़ के ऐसे डाल देते हैं। ऊपर एक एक पेटल लगा लेते हैं। अब उसके ऊपर एक चेरी कुछ इस तरह से लगा ले। चल करते एक मिनट। और दो मैंने यहाँ पे फ्लावर्स लगे रोज के, ऐसे रख देते हैं। तो हमारा हो गया ये रॉयल प्लेटर रेड। प्लीज़ इस रॉयल प्लेटर को लाइक कमेंट और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।